नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दो तीन दिन से मैंने वीडियो नहीं डाले थे क्योंकि मैं अभी वेट कर रहा था कि मार्केट कुछ हो तो इसमें करेंगे। तो आज मेरे को वीडियो, आज भी मैं 5 शेयर आपको नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल मैंने अभी वीडियो बनाया है क्योंकि आज अपनी जो पूरी शीट थी जिसमें हम लोग पूरा बाई कर रहे थे, खरीद रहे थे, ये सब कर रहे थे, 5-5 शेयर जब भी ले रहे थे पूरी शीट के हिसाब से, तो उसमें से आज बजाज फाइनेंस ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो हम उसको देखेंगे कि उस 18% करीबन ग्रो हुआ है। वो 8% तो था ही, लेकिन आज ही 12% करीब हो गया है। अगर आप बजाज फाइनेंस पे जाएंगे, बजाज फाइनेंस कब लिया था हमने, तो आज एक सेकेंड, हमने लिया था 4-5 दिन पहले, मतलब 4-5 कॉल से पहले। ये देखिए बजाज फाइनेंस यहाँ पे 9% एक दिन में ही हिट किया है, तो इसके कारण ही पूरा हो गया। और आप निफ्टी देख सकते हैं कि निफ्टी भी पूरा हिट हुआ है क्योंकि कल यूएस का मार्केट काफी अच्छा उसका कॉल बना, मतलब जो है फेड ने दिया इंटरेस्ट रेट पे तो वो पॉजिटिव था। और कल मार्केट, यूएस मार्केट भी काफी अप गया था और निफ्टी भी इसी कारण अप गया है। मतलब सभी मार्केट अप ही है और बजाज फाइनेंस का जो पॉजिटिव आया है रिजल्ट, उसके कारण इसने दिया है। पिछले हफ्ते आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो मैं कई बार बोलता था कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस बहुत अच्छे स्टॉक है। सो आप देख सकते हैं, तो इसका मैंने GTT लगा दिया। देखिए मैं आपको जब भी हमेशा बोलता हूँ ना कि मैं जब भी अगर इसको प्रॉफिट कमाता हूँ इसमें किसी में भी, तो मैं इसमें GTT लगा देता हूँ। तो अभी इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि इसने करीबन 14 दिन में ही अपना रिकवर कर लिया 10%। और 14 दिन क्या, आज एक दिन में उसने पूरा कवर कर लिया। तो मैं वो तो नहीं बोलूंगा कि हाँ एक दिन में हर बार होगा ऐसा, लेकिन ये कर लिया है। तो अभी हम इसको हम डेट डाल देते हैं, 28 जुलाई है ना, 28 जुलाई कर देते हैं इसको। तो ये आपके सामने ही कर रहा हूँ मैं कि फिर ये चेंज रहे और हमें पता रहे कि कितने दिनों में हमने ये वाला टारगेट किया था। और मैं इसको GTT लगा रहा हूँ, मैं आपको यही बोल रहा हूँ अभी भी कि मैं इसका GTT लगा रहा हूँ, मैं इसको सेल नहीं कर रहा हूँ, GTT लगा दिया है। GTT वो फंडा होता है कि अगर आप इसमें GTT लगा देंगे तो आपका जो टारगेट प्राइस है उससे मैं 2-3% नीचे पे लगाया, यानी अभी जैसे 18% दिख रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली 15% प्रॉफिट पे मैंने GTT लगाया है। तो और GTT लगा दिया तो डेफिनेटली मुझे वो 15% अगर नीचे आता है तो 15% दे देगा। तो ओवरऑल आप अब देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पूरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव ही है अभी भी, 0.258, काफ़ी अलग स्टॉक्स नहीं है। और मैं जो अभी रिकमेंड करूँगा, अगर आप लेना भी चाहो तो आप इन तीन में से कोई भी एक ले लो अपने बजट के हिसाब से, सॉरी चार या तीन बोल लो, 10% निगेटिव है जो, चलो इनको पकड़ लेते हैं। तो आप इसमें से कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हो। HCLTech तो बहुत अच्छा भाग रहा है, मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन HCLTech रहेगा। अगर HCLTech आप ले सकते हो तो ले लो, मैं भी जल्दी ही बाई करूंगा और HCLTech को मैं एवरेज आउट करके इसमें बढ़ाना चाहूंगा क्योंकि HCL पिछले एक महीने मतलब 2-3 वीक पहले उसने अपना सबसे लो 52-week लो किया था और वो वापस ग्रो करेगा। और आज IT स्टॉक ही भाग रहे हैं, आज नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक रिलायंस ये सब नहीं भाग रहे हैं, या बैंक में भी जैसे फाइनेंस में बजाज भाग रहा है वैसे ही बात ज्यादा हलचल नहीं है बैंक में भी, ठीक है, जो पिछले 1-2 दिन में एक्सिस बैंक ये सब HDFC दिखी है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये पूरा सीरीज जो है ये मेरी एक्सपीरियंस है, मेरा एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। आपका पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की भी रिसर्च कीजिए क्योंकि अगर पैसा आपका लूज होगा तो वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। और अगर आप कमाएंगे और आप मुझे कमेंट्स करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो वो मुझे मोटिवेट करेगा, डेफिनेटली मोटिवेट करेगा। और जहां तक लूज करने की बात है, आपके सामने ही मैं जो बाई कर रहा हूँ, जो खरीद रहा हूँ वो डालता रहता हूँ। और जो मोस्टली आपको क्या ट्राई करना, अगर आपने ऐसी शीट बनाई भी है, ये पूरी शीट ऐसे बना के रखी है, तो जो आपके निगेटिव दिखते हैं ना स्टॉक्स, उनको आप ऐड किया करो यही से, क्योंकि जो स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो काफी सॉलिड स्टॉक है, वो ऐसे नहीं कि एक दिन में पूरे खत्म हो जाएंगे। इवन यस बैंक जब खत्म हुआ था तब भी मैंने कई बार पिछली सीरीज में रिकमेंड किया था और यस बैंक में भी प्रॉफिट कमा के लिया था हमने कि कब उसका टाइम सही आ रहा है, जब हमें बाई करना चाहिए और कब हमें सेल कर देना चाहिए। सेल करने का तो एक ही रूल बोलता हूँ, ज्यादा लालच मत कीजिए, 10% के ऊपर जाए GTT लगा लीजिए, 3% पे यानी 7% पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और अच्छी बात है, ये सब कर सकते हैं आप।
और आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो जरूर मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ हो।